हाय फ्रेंड्स, मैं बुरिंदर खरी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्वेता रंजन जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1977 में हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। जो गेम खेली गई थी बॉबी फिशर और कंप्यूटर के बीच में। फ्रेंड्स, 1977, कब से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर को चेस सिखाने की। 1996 में एक्चुअल में ग्रीन बेल्ट ग्रीन प्लॉट नाम का कंप्यूटर बना था, जो कि चेस के लिए डेडिकेटेड था। और ये पहला ऐसा चेस प्रोग्राम या चेस कंप्यूटर हम कह सकते हैं कि जिसे रेटिंग मिली हुई है। इस ग्रीन ब्लॉट को पहली रेटिंग मिली थी 1966 में, जो 1243 थी। और यहाँ 1977 में एक मैच, एक नहीं इनके आई थिंक 3 मैचेस हुए थे बॉबी फिशर के साथ। तो उन 3 मैचेस में से एक मैच की वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहाँ गेम की शुरुआत की E4 के साथ। बॉबी फिशर ने तो ग्रीन ब्लॉट कंप्यूटर ने E5 यहाँ किया। F4 क्वींस गैम्बिट जिसे एक्सेप्ट किया यहाँ ग्रीन ब्लॉट ने E takes F4 करके। बिशप C4 देन D5, थोड़ी अनयूजुअल मूव ओपनिंग है। काफी पुराने कंप्यूटर हैं, शायद इतने प्रोसेसिंग स्ट्रेंथ भी नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ क्वीन से चेक आती है, काफी स्मार्ट चेक थी। तो बिशप टेक्स D5 पहले यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। और अभी भी क्वीन H4 चेक की ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ भी क्वीन H4 चेक न करके Nf6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया। तो नाइट गया C3 स्क्वायर पर, देन बिशप B4 नाइट को पिन किया, देन Nf3 दूसरे नाइट को डेवलप किया। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल कर लिया है। Nxd5, Nxd5, देन Bxd6। बिशप को तो बचाना ही पड़ेगा, लेकिन F5 की ऑप्शन भी कंसिडरेबल थी। चली छोड़िए, बिशप D6 जब यहाँ ब्लैक ने किया तो D4 यहाँ व्हाइट ने किया। व्हाइट की प्लानिंग क्या है क्लियरली यहाँ नजर आता है। इस बिशप को बैड बिशप में ही कन्वर्ट करके रखो, कभी इसे एक्टिव स्क्वायर्स पर मत आने दो। G5, Nxg5। और फ्रेंड्स, ग्रीन ब्लॉट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। आखिर ये Nxg5 क्यों हुआ है, कुछ कुछ तो समझ में आने लगा है। यहाँ नाइट और ये रुक दोनों इस F4 स्क्वायर पर अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। और क्वीन अगर इस नाइट को लेगी तो क्वीन पर अटैक बनेगा, लेकिन फिर भी एक नाइट तो डाउन हो। क्वीन Xg5 यहाँ कंप्यूटर ने किया, देन E5 बिशप पर अटैक बना। और आई थिंक अगर आज के कंप्यूटर, आज के चेस इंजन्स होते, तो बिशप टेक C5 ही होता है। यहाँ से D takes C5 होने के बाद फिर उसके बाद नाइट डेवलप हो जाता, बिशप से लिया भी जाता तो क्वीन कहीं ना कहीं सही स्क्वायर पर बच जाती। लेकिन यहाँ बिशप S3 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने कंसिडर किया, चेक दी, लेकिन इतनी स्ट्रांग भी नहीं है फिलहाल। तो ये पॉन भी पिन है और आगे कुछ हो भी नहीं सकता, तो इसका डिफेंस कैसे किया जाए। आई थिंक मेरे ख्याल से क्वीन भी यहाँ आ सकती थी, और उसके बाद तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स होती यहाँ ब्लैक को। या फिर Nxf4 की ऑप्शन भी अच्छी थी, बिशप पर भी अटैक बनता और अपने इस G2 पॉन पर भी डिफेंस हो जाता, बिशप को बचाना होता, क्वीन पर क्वीन हट जाती, या कुछ भी इस तरह का कोई भी मूव चला जा सकता था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से रुक F2 पहले यहाँ व्हाइट ने किया। बॉबी फिशर ने सिंपल पीसेस को लगाया, देन Bxe5, Dxe5 ऑब्वियस है, मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। और अब क्या होगा, Nc6 ब्लैक को यहाँ करना चाहिए था, लेकिन C6 किया। अपने पीसेस को डेवलप करना प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। मैं फिर दोबारा वही बात बोलता हूँ कि ये काफी पुराने कंप्यूटर्स थे, और शायद यहाँ से चेकमेट उस समय के चेस इंजन प्रोग्राम्स को करना इतना इजी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा, आई थिंक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि यहाँ बिशप की एंट्री देखिए, नाइट की एंट्री को देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम होने वाली है। यहाँ से Bxf4, ये मूव होना ही था, बॉबी फिशर ने यही किया। क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई G7 स्क्वायर पर, अदरवाइज यहाँ व्हाइट को अपना बिशप गंवाना पड़ेगा। देन Nf6 चेक, ये मूव भी एक्सपेक्टेड था, किंग H1 स्क्वायर पर, देन क्वीन H5। ये मूव फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ क्वीन पर अटैक बना है और मेरे ख्याल से इनफ प्रेशर बन चुका है। अब ब्लैक क्या क्या ऑप्शन कंसिडर कर सकता है। अगर वो यहाँ अपने बिशप को बचाता है तो उसके बाद बिशप H6 होगा और क्वीन, और उसके बाद रुक पर अटैक होगा, क्वीन G6 स्क्वायर पर, देन क्वीन Xg6, H takes G6, Bxf8। क्लियरली यहाँ रुक का एडवांटेज होगा, और तीन और एक क्लियर बिशप यहाँ ऐड होगा ब्लैक की, व्हाइट की गेम में, सॉरी। और दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है यहाँ बॉबी फिशर के लिए, अगर क्वीन बची जाए G4 स्क्वायर पर, सॉरी ग्रीन ब्लॉट के लिए, अगर क्वीन बची जाए यहाँ G6 स्क्वायर पर, तो क्वीन H3 होगा पहले,
बिशप यहाँ गंवाना ही होगा, सी फाइव होगा भी, चलिए ये तो बिशप यहाँ एलिमिनेट हो ही चुका होगा। यहाँ ब्लैक ने किया रुक डी एट, ठीक है वो तो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्वीन टेक्स एच थ्री ऑब्वियस मूव, एक पीस डाउन यहाँ पर ब्लैक हो ही चुका है, पॉन का जो लॉस है वो तो ऑलरेडी हो ही चुका है। नाइट ए सिक्स, और ये नाइट ए सिक्स स्क्वायर पर ये भी कोई अच्छा मूव नहीं है शायद, नहीं नाइट निकलता भी तो नहीं था यहाँ, क्वेन का और नाइट का दोनों का प्रेशर बना हुआ था। रुक एफ थ्री यहाँ व्हाइट ने किया फ्रेंड्स, रुक के एफ थ्री स्क्वायर कराने के बाद क्वेन पर अटैक बनेगा, और ये चेक मेट किस तरह से रोकी जा सकती है, कोई भी तरीका नहीं होगा शायद उस समय के कंप्यूटर, उस समय के आज के कंप्यूटर में नहीं रोक सकते इस चेक मेट को। तो क्वेन ने जी सिक्स यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन रुक सी वन स्क्वायर पर, और इस रुक के सी वन स्क्वायर पर आने से ये बात तो है कि क्या क्वेन यहाँ इस इम्पोर्टेंट डायगनल से दूर से यहाँ इस H7 पॉन को डिफेंड कर सकती थी, तो रुक को C1 स्क्वायर पर लेना ही था। देन किंग G7 मयूज रुक G3 को नहीं आप पे मिल चुकी है, और मेरे ख्याल से बाकी की गेम फॉर्मेलिटी भर है। अब क्या मूव यहाँ ब्लैक कंसिडर कर सकता है, यहाँ ग्रीन प्लॉट ने किया था रुक H8, और रुक एच एट क्यों किया था, क्योंकि शायद उन्हें यहाँ लग रहा होगा कि H7 पॉन क्वीन के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेन ब्लैक की क्वेन रुक ने पिन की हुई है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। यहाँ दो तरीके हैं व्हाइट के पास इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के, पहला तरीका है जो आपको नजर आ रहा होगा, बिशप को यहाँ H6 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेट की जाए, या फिर जो वो काम किया जाए जो यहाँ बॉबी फिशर ने किया था, उन्होंने यहाँ क्वीन H6 चेक किया और यहाँ ये मेट हुई है। फ्रेंड्स उस समय के कंप्यूटर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, 1966 में इस ग्रीन ब्लॉट कंप्यूटर को 1243 रेटिंग मिली थी, USCF रेटिंग थी ये। USCF रेटिंग यूजुअली फिडे रेटिंग से 50 से 100 पॉइंट्स प्लस ही होती, आगे ही होती, तो काफी वीक चेस प्रोग्राम था उस समय पर ये। लेकिन ग्रीन ब्लॉट पहला ऐसा प्रोग्राम था जिसको कि टूर्नामेंट खेलने की इजाजत मिली थी, और पहली रेटिंग इसी चेस प्रोग्राम को मिली थी, और ये जिन्होंने बनाया था उनका नाम मुझे मिल नहीं रहा है, आई थिंक उनका नाम ग्रीन ब्लॉट, उन्हीं के नाम पर इस चेस प्रोग्राम का नाम है। तो फ्रेंड्स गेम काफी सिंपल थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने पुराने कंप्यूटर चेस प्रोग्राम की गेम को देखकर आपको जरूर पसंद आई होगी ये गेम। तो आप लोग इस गेम को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसे उनको सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।